नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं भार्गव ब्लॉग्स एंड रिव्यूज। नो इंट्रो, नो टाइम पास, डायरेक्ट काम की बात। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि जो कुकिंग ऑयल है उसका दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, और साथ ही ज्यादा ऑयल पे खाने को तल के खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए बहुत लोग अपने मनपसंद के खाने को अवॉइड करते हैं, जैसे कि हो गया समोसा, पकौड़ा, इस तरह के चीजों को। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा भी मशीन है जो खाने को तेल पे नहीं बल्कि हवा पे फ्राई करता है, और वो सब खाना एकदम हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं ना। लेकिन वैसा गैजेट सच में है, और वो रहा ये है एक डिजिटल एयर फ्रायर, और कंपनी का नाम है अमेरिकन माइक्रोनिक्स। तो ये जो मशीन है, इसमें आप बिना ऑयल का भी खाना बना सकते हैं, और अगर आप इसमें ऑयल यूज करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही कम करना पड़ेगा। इसमें 90% कम ऑयल यूज होता है, और इसीलिए ये फैट फ्री कुकिंग करता है, और इसमें जो डिशेस बनता है, जो तले हुए खाना होता है, उस टाइप का ही बनता है। टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, और देखने में भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बिना ऑयल का बना हुआ खाना है। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ फ्राइंग होता है, फ्राइंग के अलावा इसमें आप बेक, ग्रिल और रोस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है लेकिन आपको तले हुए खाना खाना अच्छा लगता है, तो आपको ये अपने किचन पे ले लेना चाहिए। अगर आपको इसका प्राइस पता करना है तो इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये ले लेंगे तो आपको अपना डाइट का भी ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, और आप फिट भी रहेंगे, और साथ ही अपने मनपसंद खाने को खा भी सकते हैं। इसमें आप समोसा, पकौड़ा, फ्रेंच फ्राइज, गोभी मंचूरियन, पनीर टिक्का, चिकन, फिश, वेजिटेबल्स और कुकीज जैसे चीज़ों को बिना तले कुक कर पाएंगे, और आप हेल्दी भी रहेंगे। तो ये मशीन जो खाना बनाता है वो गर्म हवा से बनाता है। इसमें टर्बो टनल फ्रेश एयर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, और ये एक स्मार्ट एयर फ्रायर है। इसमें 8 प्रीसेट मेनू दिया गया है, जिसको दबाते ही आपका जो खाना है वो रेडी हो जाएगा। और ये जो कंपनी है अमेरिकन माइक्रोनिक्स, ये बहुत ही अच्छा कंपनी है। इसमें आपको 2 ईयर्स का वारंटी मिलेगा, साथ ही इसके अंदर जो मोटर है उसमें आपको 5 ईयर्स का वारंटी मिलेगा, और इसका साइज है 3.5 लीटर का। तो आज के इस वीडियो में मैं इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ, साथ ही इसमें हम कुछ रेसिपीज भी बना के आपको दिखाने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं इसका बॉक्स पैकेजिंग को। तो ये हो गया इसका बॉक्स, आप देख सकते हैं कंपनी का नाम लिखा हुआ है अमेरिकन माइक्रोनिक, और ये एक डिजिटल एयर फ्रायर है जिसका कैपेसिटी है 3.5 लीटर का, और इसमें टर्बो टनल फ्रेश एयर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसको यूज़ करना एकदम इजी है। तो ये हो गया बॉक्स का सामने का हिस्सा। साइड में देखते हैं, साइड में भी सेम लिखा हुआ है और कुछ फीचर्स दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे टर्बो टनल फ्रेश एयर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, एडजस्टेबल टाइम एंड टेम्परेचर कंट्रोल है, इसमें फ्राई, ग्रिल, रोस्ट और बेक भी होता है। उसके बाद लिखा हुआ है इनोवेटिव डिजाइन फॉर डिलीशियस एंड लो फैट कुकिंग रिजल्ट्स, तो इसमें आप लो फैट कुकिंग कर सकते हैं, और नीचे लिखा है 3.5 लीटर का है। उसके बाद और देखते हैं दूसरे साइड में, इस साइड में डिशेस का फोटोज दिया गया है जो आप इसमें बना सकते हैं, जैसे कि ये हो गया फ्रेंच फ्राइज, ये हो गया चिकन लेग, उसके बाद कुकीज, उसके बाद समोसा। इनके अलावा भी आप बहुत सारे चीज यहाँ पे बना सकते हैं। तो लास्टली यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कंपनी का डिटेल, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, और ऊपर का ऐसा है। तो चलिए अभी इसका करते हैं अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले मिला है एक लीफलेट, जहाँ पे वही सेम इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो बॉक्स पे था। उसके बाद ये हो गया यूज़र मैनुअल, इसको पढ़ के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद ये रहा वारंटी कार्ड, जो है 2 ईयर्स का, और उसके नीचे ये रहा एक्चुअल एयर फ्रायर। चलिए फटाफट इसको निकाल लेते हैं और पास से देखते हैं। तो अनबॉक्सिंग हो चुका है, तो चलिए अभी इस एयर फ्रायर को ठीक से देख लेते हैं। तो ये हो गया इसका सामने का हिस्सा। यहाँ पे आपको कुछ भी डिजिटल डिस्प्ले नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये मशीन अभी ऑफ है। जो डिस्प्ले है यहाँ पे विजिबल होगा, जब मशीन को ऑन करेंगे तो यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले और बटन्स वगैरह आ जाएंगे, और जो बटन्स है सब टच बटन्स है। यहाँ पे प्रेस करने के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको टच करना है। मैं आपको दिखाऊंगा ऑन करके। इसका जो डिज़ाइन है देखिए कितना अच्छा है, ये ब्लैक ग्लॉसी फिनिश पे आता है और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। सामने यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है अमेरिकन माइक्रोनिक्स, उसके नीचे ये होगी इसका हैंडल। इसको पकड़ के इसके अंदर के जो बास्केट है उसको निकालना पड़ता है, लेकिन फिलहाल अभी सील है, आप देख सकते हैं दोनों साइड पे सील है। मैं जल्दी ही सील को खोलूंगा और इसके अंदर के बास्केट को आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये हो गया इसके ऊपर का हिस्सा, यहाँ से हवा इसके अंदर जाता है, क्योंकि ये गर्म हवा से ही खाना को पकाता है। तो उसके बाद देखते हैं इसके पीछे के हिस्से को। तो इसका जो पीछे का हिस्सा है ये है, यहाँ पे ये एयर आउटलेट है, ये देखिए ये हो गया एयर आउटलेट, यहीं से गर्म हवा और स्टीम वगैरह बाहर निकलता है।
तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब ये मशीन ऑन हो तब इस एयर आउटलेट के पास में अपने हाथ को नहीं तो फेस को नहीं लाना है, और ये जो एयर आउटलेट है ये ब्लॉक भी नहीं होना चाहिए। अगर आप इस मशीन को दीवार के पास यूज़ कर रहे हैं तो दीवार और इस मशीन के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो ये हो गया पीछे का हिस्सा, एकदम नीचे ये वाला हो गया इसका कोर्ड, जो कोर्ड है वो है 1 मीटर का। तो और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। तो चलिए अभी सील को खोलते हैं और इसके अंदर के बास्केट को निकालते हैं। तो बास्केट को निकालने के लिए यहाँ पे आपको पुश करना है और ये निकल आता है। तो देखिए ये निकल गया है इसके अंदर का बास्केट। ये हो गया नॉन स्टिक बास्केट, इसको भी आप निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए यहाँ पे और एक बटन है, इसको पुश करना पड़ता है, उसके बाद ये निकल आता है। देखिए तो ये जो बास्केट है यहीं पे आपको सभी कुकिंग करना है। तो पहली बार यूज़ करने से पहले इसको धोना पड़ेगा। और ये हो गया इसका इनर कुकिंग पॉट, यहाँ पे ही बास्केट को डाल के कुक करना है। लॉक हो गया है तो अभी इसको इसके अंदर पे डाल लेते हैं, सिर्फ पुश करना है। तो लग गया है, तो इसको लगाना और निकालना एकदम आसान है, एक हाथ से आप कर सकते हैं। तो अभी मैं मशीन को ऑन करने वाला हूँ और यहाँ पे सब कुछ डिस्प्ले आ जाएंगे। तो चलिए करते हैं ऑन। तो देखिए मैंने ऑन किया था और यहाँ पे पूरा डिस्प्ले आ गया था। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक ही लाइट जला हुआ है, वो है ऑन ऑफ का। तो यहाँ पे सिर्फ टास्क करना है। तो जैसे ही मैंने टास्क किया तो यहाँ पे कई सारे बटन्स और डिजिटल डिस्प्ले भी आ चुका है। तो चलिए अभी देख लेते हैं इसमें क्या क्या बटन्स आए हैं। तो सबसे ऊपर वाला ये वाला हो गया फ्रेंच फ्राइज का बटन, उसके साइड में ये रोस्टिंग का, ये फिश का, ये श्रिम्प का, ये वाला चिकन लेग का, ये वाला केक का, आप यहाँ पे केक भी बना सकते हैं। उसके बाद पिज्ज़ा, पिज्ज़ा भी बना सकते हैं। और ये हो गया स्टिक का। उसके नीचे ये जो दो बटन्स है ये है टाइमर के लिए, आप अपने मर्जी से टाइम को इंक्रीज डिक्रीज करके टाइमिंग सेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो दो ये बटन्स है ये है टेम्परेचर सेट करने के लिए। तो मिनिमम 80 डिग्री से 200 डिग्री के बीच में आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं, सिर्फ आपको ये जो बास्केट है यहाँ पे आपको जो पकाना है वो डालना है। उसके बाद मशीन को यहाँ पे डाल दीजिए और डालते ही देखिए मशीन ऑन हो गया है, ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है। तो मैंने ऑन किया, उसके बाद आपको जो भी बनाना है, जैसे कि मान लीजिए फ्रेंच फ्राइज बनाना है तो फ्रेंच फ्राइज को सिलेक्ट करना है। तो देखिए ये ब्लिंक हो रहा है। तो अभी फिर से ये जो ऑन ऑफ का बटन है उसको प्रेस करना है। तो अभी मशीन ऑन हो चुका है, देखिए तो यहाँ पे दिखा रहा है कि फ़ैन चालू है और आवाज़ भी आ रहा है फ़ैन का। तो ये जो बटन्स है ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, तो मतलब ये सब डिशेज बनाने के लिए जितना टाइम चाहिए, जितना टेम्परेचर चाहिए, सब कुछ ऑलरेडी सेट है। सिर्फ आपको इसको प्रेस करना है और इसको ऑन करना है और आपका डिशेज रेडी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अभी कुछ है नहीं तो ऑफ़ कर देते हैं। तो मैंने इसको ऑफ कर दिया और यहाँ पे दिखा रहा है ऑफ। अभी क्या करेंगे, अभी ये जो कुकिंग बास्केट है इसको धोना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे कुछ रेसिपीज बना के हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। तो अभी हम इसमें फ्रेंच फ्राइज बनाने वाले हैं। तो उसके लिए ये जो बास्केट है इसको निकालेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे, एकदम कम। आप कुकिंग ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना कम ऑयल अप्लाई किया है। तो अभी इस कुकिंग बास्केट को थोड़ा सा प्रीहीट करेंगे, उसके लिए इसको अंदर पे डाल देंगे। तो अभी इसको ऑन कर रहा हूँ और जो फ्रेंच फ्राई मोड है उसमें इसको मैं चालू कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा देर प्रीहीट होगा, मतलब अंदर का बास्केट थोड़ा देर गर्म होगा, उसके बाद पोटैटोज़ को डाल देंगे। तो थोड़ा प्रीहीट हो चुका है तो अभी इसमें डाल देंगे पोटैटोज़ को। तो अभी ध्यान रखिएगा ये बहुत ही गर्म है, यहाँ पे हाथ मत लगाइए। तो अभी फ्रेंच फ्राइज को यहाँ पे डाल रहे हैं। तो अभी इसको डाल देंगे एयर फ्रायर पे। तो अभी 15 मिनट पे हम लोग का क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज रेडी हो जाएंगे। फ्रेंच फ्राइज रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए फ्रेंच फ्राइज रेडी है। तो देखा आपने कितना कम ऑयल यूज हुआ है। तो अभी बनाएंगे पकोड़े, उसके लिए जो फ्राइंग बास्केट है वहाँ पे फिर से थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे, एकदम कम। तो ये देखिए ऐसे ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आप कुकिंग ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हो गया है, तो अभी इसको प्रीहीट करेंगे। तो अभी इसको ऑन किया तो थोड़ा प्रीहीट हो चुका है। तो अभी इसमें डाल देंगे पकोड़े को। तो ये रहे पकोड़े। तो अभी ये पकोड़े रेडी है एयर फ्रायर पे जाने के लिए। तो अभी मैं इसको डाल रहा हूँ और ये अभी ऑलरेडी चला गया है फ्रेंच फ्राइज मोड पे। तो अभी 13-15 मिनट पे हम लोगों का क्रिस्पी पकोड़ा रेडी हो जाएगा। तो 13 मिनट हो चुका है और उसके बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो गया और अलार्म भी बजा था। तो अभी देखते हैं पकोड़ा का हालत कैसा है। वाह, देखिए पकोड़ा रेडी है,
बहुत जल्दी ही बन गया है। और देखिए कलर देखिए, और बिना ऑयल का बना है, कौन बोलेगा। तो यही है इस एयर फ्रायर का खासियत कि आप बिना ऑयल का बिना तले ही खाना बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल किचन गैजेट है, आपके किचन पे ये होना ही चाहिए। अगर आप ये ले लेंगे तो आप अपने मनपसंद खाने को खा भी सकते हैं, और साथ ही आपको अपने डाइट का भी ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, आप फिट भी रहेंगे और आपका पूरा फैमिली हेल्दी रहेंगे। तो इसीलिए आपको ये ले लेना चाहिए। इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह के यूज़फुल प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे यूज़फुल प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।